हाय, दिस इज रेणुका, योर क्वांट एजुकेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांट की प्री प्लस मेंस कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में, सोर्सेज के बारे में प्री और मेंस दोनों के लिए, और कौन से क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हैं। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं सिलेबस पे, वो क्वेश्चंस जो हर साल आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब अगर मैं प्री की बात करूँ तो इन क्वेश्चन से आप एटलीस्ट 25 ईजीली स्कोर कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से 5 से 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर इसमें 5 क्वेश्चंस आए तो 2 DI आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर एक ही DI आया तो सिंप्लीफिकेशंस के 10 क्वेश्चंस दे देगा। यहाँ तो हो गए 15 क्वेश्चंस। अब 5 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक और 5 सीरीज के आएंगे, रॉन्ग नंबर या मिसिंग कुछ भी हो सकता है। अब आपके इन क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस अगर है तो यहाँ से इजीली आप कम से कम 22 तक कर ही लोगे अटेम्प्ट, अगर 25 ना भी कर पाए तो। बाकी के 10 क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक से आते हैं, और अरिथमेटिक में हमेशा एक बात याद रखना, आपको चूजी होना पड़ेगा चैप्टर्स को लेके, लाइक कौन से चैप्टर्स में आप स्ट्रांग हो या इजी चैप्टर्स जो हैं, लाइक पार्टनरशिप, एज बेस्ड क्वेश्चंस, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन एंड बोट। आपको इनको पहले सॉल्व करना है, बाद में आप टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन जैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि सॉल्व कर पाना मुश्किल होता है कई बार। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आया स्क्रीन पर आप उसको सॉल्व करने लगे, नहीं, पहले आपको इन क्वेश्चंस को करना है, वो भी 15 मिनट के अंदर। अब आपके पास 5 मिनट होंगे, इन 5 मिनट में आपको जो मैंने 8 इजी चैप्टर्स बताए, आप उसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे 5 मिनट के अंदर। अगर 6 से 7 करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम सेव होता है तो आप बाकी के अरिथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर इनको आप स्किप भी कर सकते हो, और इस तरह से आप 25 to 30 मार्क्स प्री में स्कोर कर सकते हो इजीली। अब इन क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? अड्डा 247 है, ग्रेड अप है, टाइम है, तो दोनों से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर किसी एक एप्लीकेशन से कर सकते हो। अड्डा 247 पे डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस के सेट भी मिलते हैं और अरिथमेटिक के भी अलग से मिलते हैं। एक टारगेट सेट करके करना, जब भी प्रैक्टिस करना, कि मुझे 15 मिनट के अंदर 20 to 25 क्वेश्चंस एटलीस्ट करने हैं और 10 मिनट के अंदर 10 अरिथमेटिक क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। अगर इस टारगेट के साथ करोगे तो 25 to 30 मार्क्स क्वांट में लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी भी आपको प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। आप सब बार बार पूछ रहे थे, कॉमेंट कर रहे थे कि मैम कहाँ से प्रैक्टिस करें, सोर्सेस बता दीजिए, तभी मैं ये आप सबको सजेस्ट कर रही हूँ। आपके पास कोई और ऐप हो तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बस क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, और कोई मॉक परचेस किए हो तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के PDF के बारे में आप सब पूछ रहे थे, तो अड्डा 247 से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एक बार चेक कर लेना उनके वेबसाइट पे, ठीक है। अब अगर मैं मेंस की बात करूँ तो आप सबको पता है मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस DI से आते हैं। लास्ट ईयर SBI क्लर्क मेंस में 20 to 25 क्वेश्चंस DI के आए थे, 5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन से आए थे, 5 क्वांटिटी बेस्ड और 15 अरिथमेटिक। इन क्वेश्चंस के कंपैरिजन में आपको इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि DI आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं मेंस में। मेंस लेवल क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ अल्टरनेट डेज पे, आप सबको पता है, और मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द डेली 1 DI प्रोवाइड करने की, और हम सारे मेंस लेवल कंटेंट्स कवर करेंगे। डेटा सफिशियंसी, क्वांटिटी बेस्ड और मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी, पिछले 1-2 साल के सारे मेंस एग्जाम्स, ठीक है। और आपने किसी मॉक को परचेस कर रखा है तो वहाँ से भी मेंस लेवल DI प्रैक्टिस कर सकते हो। कोशिश करना ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। अब पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए? अगर आप अप्रोक्सीमेशन और रॉन्ग नंबर देखो एग्जाम में, तो पहले उनको सॉल्व कर लो, फिर DI सॉल्व करो। पहले देखो कि DI समझ आ रहा है कि नहीं, अगर समझ आ गया तो वहाँ से 5 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, और अगर नहीं आया तो दूसरा DI देखो बिना टाइम वेस्ट किए। DI के बाद आप क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस और डेटा सफिशियंसी सॉल्व कर सकते हो। DI में 1 या 2 DI हमेशा डूएबल होती हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो ज़रूर कर ले जाओगे। यहाँ से अगर एटलीस्ट 2 DI भी कर लेते हो तो 10 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, और अप्रोक्सीमेशन या रॉन्ग नंबर में से अगर अप्रोक्स आ गया तो 5 मार्क्स तो पक्के हैं, और अगर रॉन्ग नंबर आ गया तो 5 नहीं तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो कर सकते हो। और क्वांटिटी बेस्ड के अगर 3 क्वेश्चंस कर लेते हो तो यहाँ से आप 15 to 16 आराम से स्कोर कर लोगे, और कुछ क्वेश्चंस तो 2 मार्क्स के भी होते हैं, तो यहाँ आपके स्कोर बढ़ने के चांसेस भी हैं। और अरिथमेटिक से 4 से 5 क्वेश्चंस कर लोगे प्रैक्टिस अगर अभी से मेंस लेवल की करो तो। इस तरह से एटलीस्ट 20 या 20+ मेंस में स्कोर कर सकते हो अगर ऐसी अप्रोच रखो तो। और जब भी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो इसी अप्रोच के साथ दिया करो,
ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग एक और स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, जो भी आपको सुइटेबल लगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी इन इंग्लिश एंड द सोर्सेज फॉर प्री एज वेल एज मेंस लेवल कंटेंट्स। विच क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट एंड विच क्वेश्चंस यू कैन स्किप। बिफोर दैट लेट्स हैव ए लुक इन द सिलेबस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्री, यू कैन स्कोर 25 एटलीस्ट ईजिली फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। वी कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। If 5 questions comes from simplification, then you have 2 DIs there, and if there is 1 DI in the exam, then definitely there will be 10 questions from simplification, and 5 questions from quadratic and 5 from series will definitely come. There can be wrong number series or missing. You have to practice both. Now, as you can see from this part only, you are able to score easily 25 if you have a good practice on these questions. If not 25, you can score at least 22 from these questions. I'll tell you from where to practice, and 10 questions comes from arithmetic. And remember one thing in arithmetic, you always have to select some easy chapters to attempt first in the exam, like partnership, age based questions, percentage, ratio, profit and loss, time and work, train and board. It's not like whatever the question appears on the screen, you are going to solve it. No, that's not the right approach. Always try to attempt the questions first in which you are strong. Then go for the chapters like time and distance, probability, mensuration, which are difficult to solve sometimes, right? Now, if I talk about which questions to attempt first and what to skip, remember always you have to attempt these questions first. No matter whatever the question appears on screen, go for these questions quickly and attempt them. If you have 25 questions from this part, try to solve at least 22 to 23 questions within 15 minutes and then go for arithmetic. Now you have 5 minutes left, right? I have given examples of 8 arithmetic topics. You can choose according to your strong and weak areas. From these 8 topics, you can easily attempt 6 to 7 questions in 5 minutes. After that, if you have time, you can solve these topics or you can skip them completely. In this way, you will be able to score 25 to 30 or 30 plus in quant. And I think this is more than enough to qualify pre. Now, how to solve these questions within 20 minutes? Try to set a goal to attempt at least 20 to 25 questions within 15 minutes from this part and 10 questions of arithmetic within 10 minutes on a daily basis. Now, where to practice these questions daily? If I talk about sources, you can practice these questions from two applications like Adda247 and GradeUp. You can practice from both if you have time, or you can choose any one of them. Both are providing good contents. Adda247 is providing these questions on a daily basis. You can practice from there. To be honest, I'm not promoting any application, as you all are continuously asking, ma'am, from where to practice daily questions. That's why I'm suggesting you these two applications. If you have any other application or if you have purchased mocks, then you can practice these questions from there too. Now let's talk about mains. You all know in mains, generally most of the questions are from DI, right? Last year in SBI clerk mains, 20 to 25 questions were from DI. 5 questions were from approximation, 5 from quantity based, and 15 from arithmetic. Now, in comparison to these questions, you have to practice DIs more because a large number of questions are coming from DIs. It's not like you have to practice only DI, you have to practice other questions also, but your major focus would be on this part. For mains level classes, you all know I'm providing mains level DI every alternate day, and I'll definitely try to provide you all daily one mains level DI. And not only DI, but every mains level contents like data sufficiency, quantity based questions and all, I'll provide memory based previous year questions of all your mains exams of last 1 and 2 years, okay? Which will help you all in tackling with the real exam pattern questions. And you can practice mains level DI from mocks also, whichever mock you have purchased. Now, if you ask me what to attempt first in exam, I'll suggest you all, if you have approximation or wrong number series, attempt them first. Then have a look on DIs. Like if you understand one DI, you can easily attempt 5 questions from that particular DI. If not, go for the next one without wasting much time. And then after DIs, you can go for data sufficiency or quantity based questions. And whenever you are giving a practice mock, try to give with this approach and try to practice more from memory based questions, which will help in maximizing your scores. So this was the complete strategy. You don't have to be worried about your upcoming exams. Just practice more and more, and you can follow this strategy if you like it, or you can plan a strategy according to your strong and weak areas. So yeah, that's it for today. Bye bye. Take care.